हांडी को ज्यादा ज्यादा यूज में लो, इससे बीमारी नहीं बढ़ेगी। और ये कैंसर जैसी बीमारी है ना, इसका एक ही रामबाण इलाज है कि आप खान पीन को बदले। ये डिजाइनदार इन्होंने दीपक बनाया है बिल्कुल, तो ये अभी पका नहीं है, ये पकाई के लिए जाएगा। और ऐसे छोटे दिए, बड़े दिए, हर प्रकार के दीपक इन्होंने बना रखे हैं। ये छोटे दिए का जो सीजन आ रहा है, तो दिवाली पे आप दिए का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारा जो देश का पैसा है वो विदेशों में जाए, यानी चाइना में जाए। हम ये चाहते हैं कि चाइनीज आइटम का बिल्कुल भी उपयोग ना करें, और हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी के दिए का उपयोग जरूर करें। कितने का पड़ता होगा ये? समथिंग वही 10 रुपये के समथिंग है। ये भी 10 रुपये का पड़ता है? हाँ, पर फीस। तो ये देखो 10 रुपये का कप है, और ये दिखने में भी अच्छा है। हाँ, आजकल तो आइसक्रीम वाले भी, मैंने देखा था आइसक्रीम में भी ये जाता है, कुल्लड़ की आइसक्रीम। हाँ, हाँ, कुल्लड़ की आइसक्रीम भी बनती है चाय बनाने के लिए। और ये देखो चाय बनाने के लिए इसको क्या बोलते हैं, डेकची? नहीं, चायदानी ही बोलते हैं। अच्छा, चायदानी। लुक चेंज कर दिया, और इतना अच्छा लुक चेंज कर दिया कि आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। ये अपने कितने रुपए की है? ये समथिंग 120 के। 120 रुपए। होलसेल रेट क्या है इसकी? इसके होलसेल 90 रुपए है। 90 रुपए इसकी होलसेल रेट। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मिट्टी के गुल्लक, और बड़े बड़े गुल्लक हैं ये। ये कितने का बिकता होगा ये? ये कितने का बिकता है? 15 रुपए का बस। हमारे तो वो ले जाके वो ज्यादा महंगा बेचते हैं, 20-25 रुपए में। ये है वो इसब जी की हांडी। तो दोस्तों ये इसको मारवाड़ी में डेकची और हांडी भी बोलते हैं, और इसमें आप जानते हो तो सब्जी वगैरह बनाई जाती है, राबड़ी भी बनाई जाती है, दूध भी गर्म किया जाता है। दूध भी गर्म किया जाता है। तो बाबूजी आपने जी मान लो इसके मायने आप दूध गर्म करा हांडी में, जी सब्जी बनाओ, तो बी को काई फायदा हो जी बताओ? इससे फायदा मतलब काफी है। एक तो मतलब हर तरह की जो बीमारी चल रही है ना, हाँ, वो बीमारी में क्या है कि ये लाभदायक है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखो बाबूजी बता रहे हैं कि अगर हांडी की सब्जी और हांडी की बनाई हुई जो भी चीज खाओगे ना, तो वो शरीर के लिए फायदेमंद है, इससे कोई बीमारी नहीं होती है। जो आजकल आपने देखा होगा अलग अलग बर्तनों का यूज करते, तो उससे कई प्रकार के केमिकल होते हैं, क्योंकि आजकल उनको मिट्टी से तो मांजा नहीं जाता, साबुन वगैरह से मांजा जाता है, तो उसमें कई प्रकार के तत्व रह जाते हैं, और उन तत्वों में हमारा जो सामान है, आजकल मसाले भी शुद्ध नहीं आ रहे, तो उस वजह से कैंसर जैसी बीमारी जो जिसकी लाइलाज बीमारी है वो हो रही है। तो मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि थोड़ा बहुत खान पीन को चेंज करो, मिट्टी के बर्तनों में खाए, और अपने उम्र को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो बाबूजी आपने देखा होगा, आपके आपने अपने पिताजी को भी देखा होगा, लोगों को भी देखा होगा, तो आपके उधर तो ज़्यादा अगर मिट्टी के बर्तनों का यूज करते हैं, तो आप क्या क्या आइटम बनाते हो आप? हम इसे ये डेकचे भी बनाते हैं। अच्छा। इसको शॉर्ट मतलब हांडी भी बोलते हैं, और मतलब गमले भी बनाते हैं, पोट भी बनाते हैं, बोतल है पानी की, आजकल ये शीशे वाली आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, उसकी जगह ये मिट्टी की बोतल भी है। तो पानी की बोतल जो आप कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ। तो देखो बहुत ही अच्छा बताया इन्होंने कि आजकल जो प्लास्टिक की बोतल आती है, अपने बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, तो बच्चों को भी आप प्लास्टिक की बोतल ना दें, या तो स्टील की या जो अपने कंपनी की बोतल आते हैं वो, या फिर मिट्टी की बोतल का यूज करें, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो केमिकल गैस बन जाती है प्लास्टिक की बोतल में, और आप जानते हो उससे फूड पॉइजन हो जाता है, जैसे कुरकुरे हैं वो काफ़ी समय बनते हैं, और कोई भी आते हैं ऐसे जो पदार्थ हैं उनसे गैस बन के, और वो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो अभी देख रहे हैं। तो बाबूजी आपको कितना साल हो गया बनाते हुए इस काम को? मुझे 10 साल के समथिंग हो गई। 10 साल से पहले क्या करते थे? पहले मैं मतलब ये बिल्डिंगों का काम करते थे। अच्छा, बनाने का, चिनाई का, मतलब माँ को काम थे करे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी कुमाऊँ तो इसलिए वो चिड़ाई गए, हमारे समाज एक ही है, कुमार कुमाऊँ समाज, हम तो मानते नहीं है, लोग मानते। ये और दिखा दो। तो ये देखो ये प्लास्टिक की मिट्टी की बोतल है, सॉरी ये मिट्टी की उल्टी। तो देखो कितनी अच्छी कलाकारी है, इस पर पेंटिंग बना के इसका बिल्कुल ही लुक चेंज कर दिया, और इतना अच्छा लुक चेंज कर दिया कि आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। ये अपने कितने रुपए की है? ये समथिंग 120 के। 120 रुपए। होलसेल रेट क्या है इसकी? इसके होलसेल 90 रुपए है। 90 रुपए इसकी होलसेल रेट है। और अगर आप किसी दुकानदार से खरीदते हैं,
तो 20-30 रुपए का मार्जिन लेता है, वो भी इसलिए कि भाई इतनी दूर आते हैं लेके है, जाते हैं, टूट हो जाती है और कई बोतलें टूट भी जाती है क्योंकि मिट्टी का रह गया तो टूटेगा, तो उसका थोड़ा सा खर्चा निकालने के लिए 120-130 रुपए में ये बेचते हैं। और ये देखो इसमें आप देखेंगे तो ये मतलब बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है और ये कलर भी देखो अच्छा है दिखने में। तो आप लोग प्लीज़ मेरे कहने पे या अपने बड़े बूढ़ों को एक मिट्टी की बोतल गिफ्ट में दें इस दिवाली को, और अपने जो भी घर पे उनको मिट्टी का आइटम ज़रूर दें और उसमें बना के और खाने के लिए उसको प्रेरणा ज़रूर दें, क्योंकि मिट्टी में आप बना के खाओगे मिट्टी के बर्तन में तो उससे कोई बीमारी नहीं होगी। तो आप ये बताओ जैसे अपने चूल्हे की जो रोटी खाते हैं अपन कलेड़ी पे बना के, तो मिट्टी का तवा होता है उस पर बना के खाते, तो उससे गैस वगैरह भी बनती है या? हाँ, गैस पे बनाएंगे तो गैस तो बनेगी। अच्छा, तो इसीलिए उसको मतलब ज्यादातर चूल्हे की लकड़ी वाला जो चूल्हा होता है ना उसको यूज लो। अच्छा, और मिट्टी का तवा धरो, कोई बीमारी नहीं होगी। और अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन करे, जैसे मिट्टी का क्या बर्तनों का कौन कौन से बर्तनों का उपयोग करे जीवन में? जीवन में अब ये इस जमाने में तो वापिस ये पुनः इसका निर्माण हो गया है, वापस आ गया। हाँ, एक बार तो लुप्त हो गई थी ये। अच्छा, मिट्टी का बर्तन अब पुनः इसका निर्माण हो गया, कब से ये कोरोना के बाद में ज्यादा चल गया। कोरोना के बाद में डिमांड ज्यादा हो गई। हाँ, तो क्या जैसे प्लेट है, थाली है, मिट्टी की आ रही है, ये डेक्चे आपको बताई दी, और क्या तेज के अलावा हाँ गिलास भी आते हैं, कप भी आते हैं, सब मिट्टी के चल रहे हैं। तो आप कितने आइटम बनाते हो यहाँ पे लगभग? लगभग वैसे तो क्या बताऊँ, पर सब बताता हूँ, सब बनाता हूँ। अपने पास है अपने ऐसे दिखाने के लिए? हाँ, दिखाने के लिए हैं। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बाबूजी के हाथ के बनाए हुए आइटम दिखाएंगे, अगर आपको पसंद आए तो बाबूजी से आप कॉन्टेक्ट करके खरीद भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो हम अपने इनके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे वीडियो में बता देंगे। और वैसे हम ये चाहते हैं कि दिवाली का जो सीज़न आ रहा है तो दिवाली पे आप दिए का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारा जो देश का पैसा है वो विदेशों में जाए यानी चाइना में जाए। हम ये चाहते हैं कि चाइनीज़ आइटम का बिल्कुल भी उपयोग ना करें और हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी के दिए का उपयोग ज़रूर करें। क्यों बाबूजी, सही नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो पैसा है इन लोगों के पास आएगा और ये लोग उस पैसे का ही सदुपयोग करके वापस से मिट्टी का आइटम बनाएंगे। तो देश का पैसा देश में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर बाहर जाएगा तो हमारे किस काम का। तो इन्होंने भी बताया कि कोरोना के बाद में इन्होंने मिट्टी के बर्तनों का काफ़ी उपयोग किया है, तो अभी हम चलेंगे और दिखाएंगे आपको। तो ये कुंडा है, इस पर आटा गूंद के और रोटी बनाने के काम में लिया जाता है। तो बाबूजी इसकी मार्केट में कीमत क्या होगी? इसकी 50 रुपये है। 50 रुपये कीमत है। तो ये बड़ा भी बनाते हो क्या? हाँ हाँ। ये कितने साइज का है? ये छोटी छोटी साइज है, इसको बोलते हैं 1 किलो। 1 किलो का? तो इसमें इससे बड़ा 2 किलो का आता है, 3 किलो का आता है, 5 किलो लास्ट आता है। तो इसमें कितने लोगों का खाना आटा गूंद? इसमें 5 लोगों का। 5 लोगों का गूंद लिया। तो देखो दोस्तों, मिट्टी के बर्तन से हाथ से मतलब गूंद के और रोटी बनाई जाती है, और इसमें मतलब ऐसा थोड़ी है कि मिट्टी उसके चिपक जाती नहीं, है? नहीं 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 नहीं, पकने के बाद में मिट्टी नहीं चिपकती है। अच्छा, पकाई हो जाती है? हाँ, पकाई है। तो ये कितने मतलब कितने घंटे पकाई होती है इसकी? इसके घंटे होते हैं 3 घंटे। 3 घंटे पकाई होती है। तो भट्टी में कितने कुंडे एक साथ पकाते हो आप? इसको 200 के समथिंग। 200 के समथिंग। और अपने जैसे गुल्लक और हांडी वाले भी 200 ही? नहीं नहीं, तो ये 700 आती है हांडी। हांडी 700 आती है। तो देखो दोस्तों, हांडी जिसे हम मटकी कहते हैं वो तो लगभग 700 के आसपास आती है और ये लगभग 200 के आसपास आते हैं। तो अभी और हम आइटम बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये देखो गिलास है, और ये मिट्टी का गिलास है, इसमें बाबूजी ने बताया लस्सी, जो कि स्वादिष्ट लस्सी होती है, लस्सी की आपने बड़ी बड़ी दुकानों में देखा होगा, इन्हीं गिलास में लस्सी बनाई जाती है और इसी में स्वादिष्ट लगती है। और लस्सी को अगर आप दूसरे गिलास में पियोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मिट्टी का जो टेस्ट है जब लस्सी इसमें डलती है तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। सही है, नहीं है? बिल्कुल। तो ये कितने रुपए का बिकता होगा? ये 10 रुपए का। ये 10 रुपए का? और होलसेल में? होलसेल ही 10 रुपए की रेट है इसके। और आगे चाहे कितना बेचो। अच्छा, वो मतलब 10 आपसे दे जाते हैं? 10 के देते हैं। और ये क्या चीज है? ये जो हुक्का पीते हैं, पहले गाँव में हुक्का चलते थे, बड़े बुजुर्ग हुक्का पीते थे गाँव में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी जी, समझ गया, हुक्का तम्बाकू वाला। तम्बाकू वाला, तो इसमें धर के ये तम्बाकू। तो देखो ये जो हमारे आपने देखा होगा गांव में, आज भी आप जाओगे तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों के पास हुक्का रखा रहता है, तो ये मिट्टी का हुक्का होता है। आजकल तो आर्टिफिशियल पीतल के भी बनने लगे,
हर चीज़ के बनने लगे। लेकिन इसमें राख जो कोयला जो रखा जाता था वो काफ़ी देर तक रहता था, भूसता नहीं था, इसलिए ये मिट्टी का उपयोग होता था। तो ऐसे कई आइटम हैं, काफ़ी आइटम हैं जो भाई साहब बनाते हैं। और ये दिए हैं जो अभी कच्चे हैं, ये देखो ये डिजाइनदार इन्होंने दीपक बनाया है बिल्कुल, तो ये अभी पका नहीं है, ये पकाई के लिए जाएगा। और ऐसे छोटे दिए, बड़े दिए, हर प्रकार के दीपक इन्होंने बना रखे हैं। ये छोटे दिए हैं, तो ये इसमें क्या काम आता है ये छोटा वाला दीपक? ये फूल बत्ती जलाते हैं इसमें। अच्छा, फूल बत्ती के लिए। हाँ, तो देखो फूल बत्ती जो होती है छोटी, अपन घी की जो फूल बत्ती बनाते हैं उसके लिए छोटा दिया, तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आइटम हैं, ये देखो ये भैया मेरे लिए दिखाने के लिए लेके आए काफ़ी दूर से कप, तो ये देखो मिट्टी का कप भी बनाया है इन्होंने। तो ये कितने का पड़ता होगा? ये समथिंग वही 10 रुपये के समथिंग है। ये भी 10 रुपये का पड़ता है? हाँ, पर फीस। तो ये देखो 10 रुपये का कप है और ये दिखने में भी अच्छा है। हाँ, आजकल तो आइसक्रीम वाले भी, मैंने देखा था आइसक्रीम में भी ये जाता है, कुल्हड़ की आइसक्रीम। हाँ हाँ, कुल्हड़ की आइसक्रीम भी बनती है चाय बनाने के लिए। और ये देखो चाय बनाने के लिए इसको क्या बोलते हैं, डेगची? नहीं, चायदानी ही बोलते हैं। अच्छा, चायदानी। तो ये देखो चायदानी सैंपल लेके आए हैं काफ़ी ढूंढ के बताने के लिए। तो ये चीज़ भी ये बनाते हैं, तो ये कितने रुपये की होगी? ये 60 रुपये की। 60 रुपये की, तो देखो कितनी सस्ती है 60 रुपये में। मतलब इसके ऊपर ढक्कन भी आता है? हाँ, ढक्कन सही है, पर ढक्कन है नहीं। अच्छा, ढक्कन सही 60 रुपये का है और विदाउट ढक्कन के है अभी, तो इसमें चाय बनाने का तो अलग ही होता होगा, अलग ही टेस्ट। तो देखो दोस्तों, कभी आप लेके राजमाना है, इसका टेस्ट ही अलग बनेगा। तो भट्टी जैसी चाय बनती होगी इसमें, भट्टी की चाय पीते हैं? हाँ, एकदम अच्छी कुल्हड़ की चाय और भट्टी वाली चाय। हाँ, तो वजन भी काफ़ी है, लेकिन आप अपने जीवन में ज़्यादा नहीं, तो जैसे ये मिट्टी की चाय बनाने वाली यूज ले सकते हैं, कप यूज ले सकते हैं, गिलास यूज ले सकते हैं। और ये दीपक तो खैर जीवन में हमारा उपयोग है, और हांडी से, हांडी को ज़्यादा ज़्यादा यूज में लो, बस इससे बीमारी नहीं बढ़ेगी। और ये कैंसर जैसी बीमारी है ना, इसका एक ही रामबाण इलाज है कि आप खान पीन को बदले और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाएं और उसका सेवन जरूर करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से भट्टी में पकाने के लिए इनको रखा जाता है, और उसके बाद में जो ये टूट फूट जाते हैं मिट्टी के बर्तन, उनसे ढक के और इसमें नीचे आग लगाई जाती है। फिर ये कितने घंटे में पक जाता है? 3 घंटे। 3 घंटे लगते हैं, तो 3 घंटे प्रॉपर इसका ध्यान रखना पड़ता है क्या? पूरा ध्यान, तीन घंटे पूरे लकड़ी का ध्यान रखना पड़ता है। तो लकड़ी क्या भाव लाते हो आप? लकड़ी आती है करीब 4 रुपये किलो। 4 रुपये किलो, मेरे समय में भी 4 रुपये किलो थी, आपके समय में भी 4 रुपये किलो ही। तो कौन सी लकड़ी यूज में लेते हो? लकड़ी मतलब जैसे भी फैक्ट्री में से मिलती है। अच्छा, पुराना स्क्रेप लाते हो? हाँ। अच्छा, पुराना स्क्रेप की लकड़ी लाते हैं। तो भट्टी में पकाने से पहले दोस्तों ये नीचे आँच लगाई जाती है, तो इसमें लकड़ी डाली जाती है, जो पुराना स्क्रेप होता है वो डाला जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी भैया अपने जो गुल्लक है उनको पकाने के लिए भट्टी में डाल रहे हैं, तो ये स्क्रेप है। ये स्क्रेप क्या भाव आता है भैया? 3-4 रुपये किलो आता है ये, तो ये आसानी से मिल जाता है आपको, है ना? तो ये पाउडर का बनता है, ये लकड़ी के बुरादे का। लकड़ी का बुरादा ये? हाँ, लकड़ी के बुरादे से बनता है ये। जो फर्नीचर का जो काम होता है उसमें जो वेस्टेज बचता है वो काम आता है? वेस्टेज आइटम का बनता है ये।